हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पाइथन के सेट्स के बारे में। पाइथन में एक डेटा स्ट्रक्चर है, वह है सेट। तो चलो हम चलते हैं पाइचार्म की तरफ। यहाँ पे मैं एक पाइथन की फाइल क्रिएट करती हूँ। आप सबको तो पता है पाइथन की फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पे tut11.py की एक फाइल क्रिएट करती हूँ। यहाँ पे मेरी tut11.py की पाइथन फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो हम यहाँ पे एक सेट कैसे बनाते हैं वह देखेंगे। मैं यहाँ पे s नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ, इक्वल टू सेट। अब हम जानते हैं कि हमने यहाँ पे जो डिक्लेयर किया है उसका टाइप क्या है, तो इसलिए मैं यहाँ पे टाइप प्रिंट करूँगी, प्रिंट टाइप यस। अब मैं इसे रन करूँगी तो हमें आउटपुट में दिखाई देगा कि हमने जो यहाँ पे डिक्लेयर किया है वह एक हमारा सेट है। अब मैं इसे कमेंट आउट करती हूँ। हमारे पाइथन में जो सेट है उसमें बहुत सारे फंक्शंस है। इसके मदद से आप एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसको सबसे आसान बनाने का तरीका है लिस्ट की मदद से। वो हम देखेंगे कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक सेट डिक्लेयर करती हूँ, सेट फ्रॉम लिस्ट इक्वल टू सेट। अब इस सेट के अंदर मैं एक लिस्ट क्रिएट करती हूँ, 1, 2, 3, 4। अब हम ये लिस्ट प्रिंट करेंगे, प्रिंट सेट फ्रॉम लिस्ट। अब मैं यहाँ पर रन करूँगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो सेट है वह यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, 1, 2, 3, 4। अब मैं इसे कमेंट आउट करती हूँ। अब मुझे सेट में कुछ एलिमेंट्स ऐड करने हैं, तो हम देखेंगे कि सेट में हम एलिमेंट कैसे ऐड कर सकते हैं। हम इस सेट में कुछ एलिमेंट ऐड करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ यस डॉट ऐड, मैं 1 ऐड करती हूँ। अब मैं इसे रन करूँगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सेट में 1 ऐड हो जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे है जो हमारा सेट है वो प्रिंट नहीं किया, इसलिए मैं इसे प्रिंट करती हूँ और इसे रन करूँगी तो आप आउटपुट में देख सकते हैं कि हमारे सेट में एक ऐड हो चुका है। अब आप यहाँ पे देखो, मैं फिर से हमारे सेट में 1 ऐड करूँगी, वो आउटपुट में हमें क्या दिखाई देगा। आप आउटपुट में देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे एक बार ही एक मिला है, क्योंकि जो सेट है वो यूनिक वैल्यू को ऐड करता है, मतलब इस वैल्यू को एक बार ही वो ऐड करेगा। अब मैं यहाँ पे 2 करूँ और रन कर देती हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे लिस्ट में 2 ऐड हो चुका है। तो मैं आपको बताती हूँ कुछ सेट्स के फंक्शन के बारे में। अब मैं यहाँ पे यूनियन फंक्शन के बारे में बताती हूँ, एस डॉट यूनियन, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ 1, 2, और इसको प्रिंट करती हूँ। अब हम इसे रन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसने हमारे सेट में से यूनियन को ले लिया है। अब मैं यहाँ पे सेट को इंटरसेक्शन करती हूँ, एस डॉट इंटरसेक्शन 1, 2, 3। अब मैं इसे रन करूँगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उसने हमारे सेट में से इंटरसेक्शन
कर लिया है। अब मुझे सेट की लेंथ देखनी है, तो मैं क्या करूंगी इसे मैं कमेंट करती हूँ। लेंथ देखनी है तो मैं यहाँ पे लेंथ यस, अब मैं इसे रन करती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे सेट की जो लेंथ है वो है 2, क्योंकि हमारे सेट में हमने दो ही नंबर ऐड किए हैं, एक और दो। अब मुझे सेट में से जो मिनिमम नंबर देखना है तो मैं यहाँ पे मिनिमम लिखूंगी और यहाँ पे रन करती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे लिस्ट का जो मिनिमम नंबर है वो 1 है। मैं यहाँ पे मैक्सिमम करूँ और इसे रन करती हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे लिस्ट का जो मैक्सिमम नंबर है वह है 2। अब मुझे इस सेट में से नंबर निकाल लेना है तो मैं इसलिए रिमूव फंक्शंस का यूज करूँगी। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, रिमूव फंक्शंस लिखती हूँ, रिमूव, और मैं लिस्ट में से 2 को रिमूव करना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, मैं क्या करती हूँ, अलग से प्रिंट करती हूँ s डॉट रिमूव 2, और नीचे हम सेट प्रिंट करेंगे, प्रिंट सेट। अब मैं इसे रन करूँगी तो आप देख सकते हैं कि हमारे लिस्ट में से जो 2 नंबर है वो रिमूव हो चुका है। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा।